असुर राजन धक्की जय। असुर राजन धक्की जय। और यदि ये परिवर्तन संभव हुआ तो केवल इसलिए कि मैं शिवांश सत्य की अनुभूति हो चुकी है, कारण युद्ध निरर्थक है। हम असुरों का उद्धार हिंसा और युद्ध में नहीं, केवल महादेव की शरण लेने में है। महादेव की कृपाशीलता अतुलनीय है। मेरे अक्षम्य पाप भी उन्होंने क्षमा की, दृष्टि दी, मुझे सुधरने का अवसर दिया। और ये केवल मेरे साथ ही नहीं, उन्होंने सभी को अवसर दिया। असुर, मनुष्य, देवता, किसी में कभी कोई अंतर नहीं किया महादेव। उनका व्यवहार कभी भी पक्षपात पूर्ण नहीं रहा। असुरों के प्रति महादेव की सदिच्छा समय साक्षी। उन्होंने हमारे लोक में देवताओं का प्रवेश वर्जित किया। महादेव देवों के देव हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं कुछ समय के लिए कैलाश में जाके वास करूंगा, महादेव की शरण में, अपने मन की शांति हेतु। उससे पवित्र और कोई स्थान नहीं है। आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं असुर राजन? तो होंड, हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं इसमें तुम्हारे इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। इसका औचित्य तो उत्तर से ही स्पष्ट होगा। पांच और पांच अर्थात दस। और आकाश में तारे कितने हैं? असंख्य। उनकी गणना असंभव है। समझ लीजिए कि आपकी उंगलियों के समान है महादेव की कृपाएं, जिनकी गणना संभव है, जिनका प्रशस्ति गान आप कर रहे हैं। और नक्षत्र की भांति असंख्य है देवताओं के अत्याचार, उनके पक्षपात, उनके द्वारा किए गए छल और अन्याय। और इनकी तुलना कर कृपाओं को अधिक महत्व वही दे सकता है जिसके शरीर में असुर कुल का रक्त न बहता। किंतु असुर नहीं भूल सकते अपनी यातनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को। किंतु आप तो ये भी भूल गए कि आपके पुत्र का वध आपके आराध स्वयं देवों को देव महादेव ने किया था। तो होंड, मैं जब महादेव की कृपा का उल्लेख करता हूं तो मेरा तात्पर्य केवल उस कृपा से होता है। असुर जिसके पात्र बने, जो असुरों को उनके कर्मों के आधार पर प्राप्त हुए, किंतु जिन असुरों ने अपने कर्मों से अपनी मृत्यु सुनिश्चित की, उनके वध, उनको मिले दंड पर मुझे कोई शोक नहीं, भले वो मेरा अपना पुत्र क्यों ना हो। तो होंड, कहीं तुम भी महादेव को चुनौती देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? कायर है जो वीरता की परिभाषा नहीं समझते। आप जैसे व्यक्ति असुर राज रहने के योग्य ही नहीं है। शांत, शांत मन से मेरी बात सुन। असुरों को शांति केवल युद्ध करके मिलेगी, देवताओं को पराजित करके, उन्हें कुचल कर। मैं ब्रह्मदेव की तपस्या करने जा रहा हूं। ब्रह्मदेव का वरदान पाकर असुरों की शक्ति में वृद्धि हेतु, ताकि हम देवताओं को पराजित करने में सफल हो सके। स्वर्ग हमारा है और मैं इंद्र पर विजय प्राप्त करके असुरों को स्वर्ग पर अधिकार दिलवा कर रहा हूं। तुम वही भूल करने जा रहे हो तोंड, जिसका दंड केवल मृत्यु।
तुम्हारी भांति कायरता भरे जीवन से वीरता की मृत्यु कहीं अधिक गौरवशाली है। इस शिवांश का भविष्य उसके पालन और पोषण पर निर्भर करेगा। किंतु निरंकुश रहा तो उसकी ऊर्जा किसी भी दिशा में जा सकती है महादेव। जैसे जलंधर नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ता ही चला गया, क्या हम पुनः वो परिस्थिति उत्पन्न होने से रोक नहीं सकते महादेव? क्या हम इस शिवांश पे किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकते महादेव? स्थिति को किसी भी प्रकार अपने नियंत्रण में लेने या उसे किसी भी प्रकार प्रभावित करने का परिणाम क्या होगा, या भली भांति जानते हैं ब्रह्मदेव। इसलिए उचित यही है कि इस प्रक्रिया से सब दूर रहे। ब्रह्मदेव, समय और अनिवार्यता से पूर्व हस्तक्षेप कहीं किसी विपत्ति का कारण न बन जाए। अंधक, तुम अपनी कायरता और महादेव के प्रति अपनी निष्ठा से असुर राज के पद को कलंकित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। असुर राज का दायित्व तो है असुरों के गौरव को स्थापित करना, उनके वर्चस्व को स्थापित करना, और अब यह कार्य मैं करूंगा। मैं पुनः स्थापित करूंगा असुरों की प्रतिष्ठा को। ब्रह्मदेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर मैं मनवांछित वरदान लेकर ही रहूंगा। फिर आए मेरे समक्ष तुम्हारे देव या फिर देवों के देव महादेव। आज से ऐसा चौसर खेलने का विचार कैसे आया है तुम्हें? क्यों, आपकी इच्छा नहीं? मेरी इच्छा तो केवल तुम्हारे सानिध्य की है पार्वती, चाहे वो जिस कारण भी मिल जाए। किंतु आज तुम्हारे चौसर खेलने की इच्छा समय अनुकूल ही है। जानती हो पार्वती, आज समस्त संसार में चौसर विछीर रहे हैं, सब अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। किसी को राज्य चाहिए तो किसी को पद चाहिए, और किसी को स्वार्थ सिद्धि, और कोई तो कर्तव्य निभाने के नाम चौसर विचार। हम खेल समाप्त करें। हम जानते हैं संसार हमसे अलग नहीं, किंतु आपको कुछ समय तो केवल हमारे साथ व्यतीत करना चाहिए। अब आप केवल उस चौसर की बात करेंगे जो हम खेल रहे हैं।
लौट जाओ। ये पवित्र भूमि है अंधक। यहां की सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने वाला जीवित नहीं लौटता। स्मरण, इसीलिए मेरे पुत्र आड़ी का अंत हुआ था। हमारा भी यही अनुमान था कि तुम यहां अपने पुत्र के मृत्यु के प्रतिशोध हेतु ही आए। नहीं कार्तिक, प्रतिशोध नहीं, प्रायश्चित हेतु आया हूं। युद्ध करने नहीं, महादेव की शरण में रहने के लिए आया हूं। और तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लेंगे? बस बहुत हुआ अंधक, आओ युद्ध करो मेरे साथ। युद्ध करना होता तो क्या निशस्त्र आता? मेरा विश्वास करो कार्तिकेय, मुझे केवल महादेव के दर्शन पाने हैं। अपने पुत्र के दुष्कृत्यों के लिए क्षमा मांगनी है, उनसे निवेदन करना है कि मुझे यहीं कैलाश में रहने की अनुमति दें कुछ समय के लिए। मुझे जाने दीजिए। तुम्हारी बातों पर विश्वास करना संभव नहीं है अंधक। तुम्हारे पुत्र ने भी ऐसी ही छवि प्रस्तुत की थी हमारे समक्ष, और हम सबके साथ विश्वासघात किया, और अभी उस बात को इतना समय भी नहीं हुआ कि हम सब उसे भूल जाएंगे। शिवांश हूं मैं, और इस नाते तुम्हारा भाई भी हूं। तुम्हारे हाथों मृत्यु सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, किंतु मुझे एक बार महादेव के दर्शन पाने दो। मेरे प्रति उनका व्यवहार देख तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहां किसी को क्षति पहुंचाने नहीं आया हूं। उचित है, हमें अंधक को पिताजी के पास लेकर चलना चाहिए। पिताजी जो भी निर्णय ले, प्रायश्चित के लिए आया हूं महादेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कि सत्य नहीं कह रहा है पिताजी, हमारे गणप्रेत ने इसे घुसपैठ करते पाया और पकड़े जाने पर प्रायश्चित का स्वांग कर रहा है। मेरे अनुसार इसका उद्देश्य अपने पुत्र के मृत्यु का प्रतिशोध ही है। इसीलिए हम इसे आपके समक्ष ले आए हैं। इसका निर्णय आप और मां दोनों करें।